वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड पैशन के बारे में। सो पैशन जो होता है वो लोग बहुत ज़्यादा लेट समझते हैं पैशन के बारे में। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि बचपन से ही पैशन के लिए बच्चे को कैसे तैयार किया जाता है। सो इस वीडियो के अंदर जो थॉट्स हुए हैं वो मेरे अपने पर्सनल हैं, है ना। तो आप केवल इससे सीखिएगा, समझिएगा, बाकी अप्लाई करना ना करना वो आप लोगों के हाथ में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद लोग क्या करते हैं, उसको केजी एलकेजी वगैरह ये सब पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। सो मैं कहता हूँ कि बच्चे को ऐसे पढ़ाने के लिए ना भेजें, उसको घर में ही रखें, उसको खेलने दें, उसको पूरा अच्छी तरीके से अपना एक्सप्लोर करने दें। जिस माइंड के अंदर वो पैदा हुआ है, सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर वो पैदा हुआ है, उसको पूरा एक्सप्लोर करने दें, है ना। बच्चे के अंदर कितनी एनर्जी होती है, वो इधर उधर चढ़ता है, खेलता है, कूदता है, बड़े से बड़े लोग भी उसके सामने झुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो इतनी एनर्जी है उसके अंदर, तो उस एनर्जी का वो फुल इन्जॉय कर पाए और अपनी लाइफ को, जो उस टाइम की लाइफ है, उस टाइम का जो उसका सुपर कॉन्शियस माइंड है, उस टाइम पे वो उसको अच्छे से जी पाए। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उसको बाहर स्कूलों में ना भेज के घर में ही पढ़ाओ। कहने का मतलब ये है कि घर में ही उसके टीचर वगैरह लगवाओ। टीचर वगैरह लगवाने के बाद जो उसको नॉर्मल जो भाषा का ज्ञान है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश का उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत वो सीख ले ये सब क्या चल रहा है इस दुनिया के अंदर, थोड़ा थोड़ा समझने लगे, बस इतना उसको पढ़ाओ। और इतना भी उसको तब तक पढ़ाओ जब तक वो समझ जाए कि मैं ज़िंदगी में यहाँ आया क्या हूँ, मतलब उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट क्या है, ये चीज़ उसको समझ में आ जाए। तो जैसे ही उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा गॉड गिफ्टेड टैलेंट ये है, मान लो वो छोटे से बच्चे को आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, आपने ट्यूशन व्यूशन लगवा दिए उसके, और उसके बाद उसको 5 साल 6 साल 7 साल बाद समझ में आया कि मैं तो सिंगिंग में अच्छा हूँ, या मैं डांसिंग में अच्छा हूँ, या फिर मैं किसी बिजनेस में अच्छा हूँ, मुझे बिजनेस करना अच्छा पसंद है, मार्केटिंग में अच्छा हूँ, क्या चीज़ है जो नेचुरल उसे मिली हुई है। जिस वक्त उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ये चीज़ पता चल जाएगी, बस बस तब रुक जाना है, तब उसको उस पैशन पे काम करने देना है, वही उसकी लाइफ है। क्योंकि उस टाइम पे वो फुली इंजॉय करेगा, जो भी उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट होगा वो उसके अंदर से आएंगी चीज़, है ना। तो वहाँ पे एक अलग ही दुनिया होगी, काम काम नहीं लगेगा, वो मज़ा लगेगा। तो वो अपने पैशन को फॉलो करेगा उस टाइम पे, कि अगर उसको ट्रैवलिंग पसंद है तो वो चीज़ उसको समझ में आएगी, जो भी उसका पैशन होगा, हार्डकोर चेस खेलना किसी को पसंद है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। जैसे आप बच्चों को कोचिंग वगैरह कराओगे तो चीज़ समझनी होगी कि किस चीज़ में इसका इंटरेस्ट जा रहा है, किस चीज़ में ये अच्छा है, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि आप समझदार हो, आपको देखना होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। और जैसे ही बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ जा रहा है, आपको वो चीज़ समझ के वो चीज़ में उसको काम कराना होगा और उसको छोड़ना होगा, है ना। तो वो अपने पैशन पे काम करेगा, अपने ऊपर काम करेगा, उसको दिन रात मज़ा आएगा काम करने में, 16 घंटे 18 घंटे ऐसे बीत जाएंगे काम करते करते। और जैसे ही वो उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करेगा, काम करेगा, फिर लास्ट में उसको जाके देखना है कि मैं इस काम से पैसा कैसे कमाऊंगा, यानी कि इस काम को मैं कैसे मोनेटाइज करूंगा। सपोज एग्जांपल वो डांसर बनना चाहता है, सपोज एग्जांपल वो डांसिंग कर रहा है, 6-7 साल से वो डांसिंग स्टार्ट कर दी उसने, स्टार्ट करके अब तो खैर बहुत सारे डांसिंग शोज वगैरह आ गए, लेकिन सपोज करो कि डांसिंग शोज वगैरह नहीं है, वो डांस सिखा रहा है और डांस में उसका इंटरेस्ट है, वो बढ़ता जा रहा है और माइकल जैक्सन के लेवल तक वो पहुंच गया, इतना बड़ा कोरियोग्राफर वो बन गया। तो तब उसको देखना है कि मैं इस चीज़ को मोनेटाइज कैसे करूँगा, इस चीज़ से मैं पैसा कैसे कमाऊँगा, तब उसको देखना है वो चीज़, तब उसको समझनी है वो चीज़, है ना। इससे पहले उसको कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ कि मैं इस चीज़ से मैं पैसा कैसे कमाऊँगा, तब उसको सीखना है कि जब वो पैशन को अपने फॉलो करता चला जाएगा, उस पैशन के अंदर वो आगे बढ़ता चला जाएगा, तब उसको समझना है कि अब मैं इस चीज़ को मोनेटाइज कैसे करूँगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बच्चे को ज़्यादा स्कूल कॉलेजों के बर्डन ना दे के उसको उसके पैशन को फॉलो करने दें, और जैसे ही आप धीरे धीरे उसको पढ़ाएंगे, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मुझे
अपना पैशन मिल गया है तब उसको पैशन की ओर दौड़ाएं, और पैशन की ओर दौड़ते दौड़ते फिर वो अपने आप सीख जाएगा कि इस पैशन से जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मुझे मोनेटाइज कैसे करना है, इससे मुझे पैसा कैसे कमाना है। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है वो एक स्वर्ग जैसी बन जाएगी, और यही एक जीवन है, और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताएगा, और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थैंक यू सो मच।